और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको कही कि अयोध्या से कुछ आया है, हमारे घर कुछ आया है। क्या आया है मैं आपको बताता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले सभी दर्शकों भक्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि आज बहुत दिनों बाद जयेश भैया फैमिली व्लॉग लेकर आए हैं, और आपको पता है जब मैं फैमिली व्लॉग लेकर आता हूँ तो कुछ ना कुछ स्पेशल होना होता है। अयोध्या से कुछ आया है, क्या आया है पता चल जाएगा कुछ देर में, धीरज रखिए। और मकर संक्रांति है इसलिए प्रभु के लिए एक स्पेशल भोग बन रहा है। क्या है प्लीज आखिर तक जरूर देखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम यश से बात करते हैं। हेलो यश, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। पता है कौन सा फेस्टिवल है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपके लिए स्पेशल क्या है इस मकर संक्रांति के दिन? पतंग उड़ाना में बहुत मजा आता है, और लंच में उंधियू तो बहुत मजा आ जाएगा। उंधियू खाना है आपको? उंधियू पूरी खाना है। लास्ट ईयर हमने यही प्रोग्राम, ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम खाते हैं, राइट? उंधियू पूरी, जलेबी, तो पतंग उड़ाएंगे और चिक्की खाएंगे, राइट? और स्पेशली गुजरात में आपको पता है कि फुल एंजॉयमेंट के साथ मतलब मकर संक्रांति का आयोजन होता है, तो इस बार भी हम फुल एंजॉय करेंगे, राइट? यस। और वैसे भी यश को 2 दिन स्कूल में छुट्टी भी है, वीकेंड में आया है तो 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी है, तो फुल टू एंजॉयमेंट, राइट? यस, वेरी गुड। और यहाँ पे मम्मी, आज शनिवार का दिन है। जय श्री राम मम्मी। जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। okay. आप कैसे हो सब लोग? प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा है तो सब मस्त है। अरे राम घर आने वाले हैं। ये yes, आप क्या कर रहे हो? मैं आज दादा का दीवार की माड़ा है ना, राइट? वो मैं करती हूँ। ओके okay, आज शनिवार है इसलिए आप भी आ जाए हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, देखो ये हम जो दीप माला करते हैं ना, देखो मम्मी उसकी तैयारी कर रही है। ये दीप माला हम एवरी सैटरडे को करते हैं, तो जैसे मैंने दीप माला पर एक स्पेशल 1-2 वीडियो बनाई है, तो आप जरूर करिएगा, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। अभी मम्मी सारी तैयारियां कर रही है और देखते हैं परी क्या कर रही है। हेलो परी, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हो? कैसे हैं आप? जय श्री राम, बस ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो? सब मजे में है, मजा में छो। तमें केम छो? केवी चाले छे तमारी तैयारी? हाँ, हमारी तैयारी तो बहुत सारी चाले छे। देखो मैं यश का फेवरेट ये बना रही हूँ, ममरा का लाडू। ममरा का लाडू बना रहे हो? हाँ, वेरी गुड। हाँ, मकर संक्रांति स्पेशल, और क्या क्या प्लानिंग है मकर संक्रांति के इस बार? इस बार हम मतलब जो लेडीज लोग का काम रहता है टेरेस साफ करना सबसे पहला, तो जो मैंने आज से शुरुआत कर दी, मैंने और यश ने, वो सब हो गया। okay. अभी ये हो गया, मतलब आज ये हो जाएगा ममरे का लाडू। okay. और कल जो उंधिया का है जो सब लंच में, उसकी भी सब तैयारी आज से ही हम लोग शुरू कर देंगे, तो हमारा सब यही है बस। यश ने बोल दिया सब कुछ, उंधिया खाने में मजा आएगा। लास्ट ईयर भी बहुत मजा आया था, उंधिया पूरी, पापा जलेबी लेकर आए। तो बोल रहा है कि बस कल कभी होगा, कल कभी होगा, सुबह मुझे यही बोल रहा है बस। मेरे पीछे पड़ा कि पापा चलो पतंग लेने जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे परी तैयारी सारी ऑलमोस्ट करनी शुरू कर दी है। गुड, घी। ओके, इसको पूरी तरह पिघा लेंगे। वेरी गुड। पाई बनाएंगे, पाई पाई बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जो ममरा है, आप मोरी भी बोलते हो कई जगह, कुरमुरे बोलते हैं, तो उसे सेक लिया गया है और यहाँ पे अभी कुछ ही देर में पिघल जाएगा ये। और इसी के साथ पाए बन गई है, गुड़ और घी पिघल गया है, और कुरमुरे यानी ममरा इसमें पड़ रहा है। मम्मी भी अभी मैदान में आ गई है। अगर आपके वहाँ, आपके यहाँ भी ये ममरे के लड्डू बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पे ममरे के लड्डू कहते हैं, आपके यहाँ पे क्या करते हैं कहते हैं इसे प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे देखो सासू माँ की बॉन्डिंग, देखो माँ बेटी जैसी बॉन्डिंग है। और ये गर्मा गर्म
तैयार है, अभी ऐसे लड्डू बनाएंगे। अभी हो गया देखो गरम गरम, अभी ये लड्डू बनाएंगे। मम्मी तो मम्मी का फेवरेट भजन था। आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, वाह, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, नहीं लड्डू और चिक्की राम को खिलाएंगे। क्या बात है, ये गरम गरम बनाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये लड्डू बन नहीं पाते, क्योंकि ये थोड़े मोल्डिंग स्टेज में होते हैं ना, नरम होते हैं, तो आप लड्डू बना सकते हैं, फिर ये कड़क हो जाते हैं। गरम रहने से हाथ में चटका ना लगे तो थोड़ा पानी वाला हाथ करते हैं, ताकि वो ज्यादा गरम ना लगे और हाथ में चिपके नहीं। जब तक हम लोग करेंगे ना तो चटका नहीं लगता, गरम बहुत रहते। वेले रा यश का मुंह देखो, फेवरेट है, फेवरेट है यश, नहीं यश फेवरेट है ना, भावे बहु भावे, वेरी नाइस। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रभु का भोग रेडी है, अलग अलग प्रकार की चिक्कियां हैं और ममरे के लड्डू हैं, तुलसी का दल ऊपर ऐड कर दिया है, ये तिल वाली चिक्की है, मूंगफली वाली अलग अलग वैरायटी की चिक्की है और यहाँ पे फल भी हैं आज भोग में। तो चलिए प्रभु को भोग लगाते हैं। यश दोस्तों, यश ने कहा कि आज वो भोग लगाएगा हमारे राम जी और हनुमान जी को, और परी भी रेडी है भोग के साथ, तो चलिए चलते हैं। राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो माँ चामुंडानी जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोस्तों प्रभु को भोग लग गया है, उम्मीद करता हूँ आपने प्रभु के दर्शन अच्छी तरह से किए। बहुत आज तो बहुत खुशी हो रही है, मन प्रफुल्लित हो गया, शनिवार का दिन, आटे के दीपक की माला यानी दीप माला भी थी, प्रभु को भोग भी लगाया, एकदम मन पूरा आज प्रफुल्लित है। आपके भाव क्या है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्लॉग को आपको बताया हम ऐसे ही एंड नहीं करने वाले हैं, मम्मी का भजन आने वाला है आज। क्या है मम्मी के डेटाबेस में, मम्मी के खजाने में, चलो कुछ ही देर में आपको पता चल ही जाएगा, तो दिल थाम के रखिए। हेलो मम्मी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, कैसे हो आप सब लोग? प्रभु की कृपा है। और पता है आपको बहुत मिस कर रहे थे सारे दर्शक कि आपकी मम्मी कहाँ है, फैमिली व्लॉग बना है, मम्मी का भजन सुनना है। आपके भजन के लिए तो लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो आपके लिए जैसे आपके खजाने में, भजन के खजाने में आज प्रभु को कौन सा भजन आप डेडिकेट करना चाहेंगे और सारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मैं राम जी का भजन आपको सुनाना चाहूंगी। ओहो, क्या बात है, प्लीज प्लीज। आप लोग भी सब राजी हो गए, खुशी हो गए कि राम को, राम घर लौट के आ रहे हैं। क्या बात है, तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। और उनके लिए गाना बोले तो हम तो बहुत छोटे हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ कि दो चार शब्द आपको सुना दूं।
प्लीज प्लीज सुनाए सुनाए सुनाए। हाँ, जब पृथ्वी पे भक्त एकदम दुखी हो गए थे, भीड़ में आ गए थे, और संतों सब, वो भी साधु संत ऋषि, वो भी राक्षस के त्रास से सब परेशान हो गए थे, और वो सब ने मिलके पोकार किया, तब दशरथ के घर पे राम पधारे। तो उस रामायण का जो जो भी मुझे आती है लाइन, वो मैं आपको सुनाना सुनाए सुनाए प्लीज। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, भीड़ पड़ी भक्तो ये पुकारा, तव दशरथ घर जन्म्या राम, पतित पावन सीता राम, चारे भाईनी सुंदर जोड़ी, हसे रमे ने खेले होड़ी, बाल लीला करी रिजवे राम, पतित पावन सीताराम। दंडक वन मा ताड़ी कमारी, गौतम नारी अहल्या तारी, ऋषि मुनियों ना सरिया काम, पतित पावन सीताराम। जनकपुर मा धनुष तोड़ी, राम सीतानी सुंदर जोड़ी, सीताराम पधारे अध्या धाम, पतित पावन सीताराम। राज तिलकनी करी तैयारी, मात कई कही ये बाजी बगाड़ी, तात वचन सिरे धरी राम, पतित पावन सीताराम। राम सीता लक्ष्मण वन मा जाए, श्रुह राजा ने शरणे राखी, गंगा पार उतारे राम, पतित पावन सीताराम। गोमती तीरे कुटिया बनावी, पंचवटीनी शोभा वधारी, सुखे वसे सबरी नाराम, पतित पावन सीताराम। छल करवाने सूर पंखा आवी, नाक कपावी सूर पंखा चा जाए, खर दूषण ने मारे राम, पतित पावन सीताराम। कपटी रावण मा सीता ने हरी गयो, वृद्ध जटायु नो वृद्ध करी गयो, सीता मा ने ले जाय लंका धाम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत प्यारा भजन गाया मम्मी, ऐसा लगा कि आंखों के सामने पूरी रामायण कथा सुन रही है। भक्तों को शायद, कई भक्तों को शायद गुजराती समझ में ना आया, मगर एटलीस्ट उनमें से जो वर्ड्स है, माता सीता, श्री राम जी, हनुमान जी, रावण, मतलब जैसे जैसे सुरपंखा, जैसे आपको कहीं ना कहीं वो भाव मम्मी के फेस पे दिख रहे होंगे। इमोशनल हो रही थी मम्मी आज, क्योंकि प्रभु श्री राम का चरित्र। मुझे राम गुण गाना अच्छा लगता है, मगर उनकी जो गाथा जब है, उनको कष्ट जो पड़े हैं, वो कभी भी मैं गाते हैं तो मुझे बहुत रोना जैसा आ जाता है। तो उनको भगवान और माँ सीता जो महल में रहने वाली, उनको भी लक्ष्मण जी को, सबको इतने कष्ट पड़े, हर एक चारे भाइयों माताओं को, तो कभी मेरा दिल ही भर आता है। कभी भी मैं रामायण भी पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं बंद कर देती हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ बंद कर देती हूँ, तो मुझे माफ करना कि मैंने अधूरा छोड़ा। नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, आपके भाव सबको पता चल गए हैं। ये प्रभु से आपकी निकटता है, आप वो भाव फील कर पा रहे हो, एक चित्त हो आप प्रभु से, और प्रभु ने ये लीला रची थी ताकि हमें जीवन में लाइफ लेसन दे सके। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, नियति में जो लिखा है, उससे डरे नहीं, बस उसका सामना करें और प्रभु के नाम का गुणगान करके जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच मम्मी, बहुत प्यारा भजन गाया। और दोस्तों, आपको ये भजन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, मम्मी के जो वर्ड्स थे रामायण से जुड़े वो आपको कैसे लगे। दोस्तों, मम्मी का भजन, प्रभु को भोग, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको कही कि अयोध्या से कुछ आया है, हमारे घर कुछ आया है। क्या आया है मैं आपको बताता हूं। अयोध्या से अक्षत आए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिन होने वाला है 22 तारीख को। आप जहां कहीं भी हो, जितना हो सके प्रभु के नाम का गुणगान करिएगा, नाम जप करिएगा, भजन कीर्तन करिएगा।
आपको पता है कुछ दिन पहले मुझे सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आते थे कि हमारे घर अक्षत आए हैं, और आप मानेंगे नहीं, मतलब मैंने काफ़ी रील्स भी देखी, जैसे अलग अलग जगह पर संस्थाएं हैं और जो भक्तों के ग्रुप हैं वो घर घर प्रभु का ये जो प्रसादी है अक्षत की पहुंचा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब क्या मेरे नसीब में भी क्या है ये लिखा सौभाग्य है कि प्रभु के अक्षत हमारे घर भी आए। तो मैंने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये इच्छा है मेरी, आप हमारे घर इस तरह पधारें तो प्रभु की महिमा देखो। और कल ही हमारे घर अक्षत आए हैं, और देखिए प्रभु का ये फोटो है हमारे राम मंदिर का। तो 22 तारीख को हमारे सनातनियों के लिए इतना बड़ा दिन है, यानी कि ऐसा समझो कि दिवाली का पर्व है। आप जहाँ कहीं भी हो, भले आपका आप ऑफिस पे हो, वर्किंग हो, आप नाम जप, राम नाम का जप जितना हो सके करें, परिवार के साथ राम धुन करें, चालीसा का पाठ करें, धुन करें, कीर्तन करें, जितना हो सके घर में धूप दीप करें, दिवाली की तरह दिए लगाए घर में, जो सजावट करनी है करें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो आप फिर से आप अक्षत के दर्शन करिए। अगर आपके यहाँ भी प्रभु की प्रसादी के अक्षत आए हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा, प्लीज़। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आज बहुत दिनों बाद फैमिली व्लॉग में हमें आप देख रहे हैं। प्रभु का भोग कैसा लगा? मम्मी का भजन कैसा लगा? अयोध्या से जो हमारे लिए आया वो आपको कैसा लगा? प्रभु के अक्षत, प्रभु के दर्शन आपने जो किए। और हाँ, 22 तारीख को जैसे मैंने कहा वो ज़रूर करिएगा। और हम हमारे व्लॉग में 22 तारीख को, या हम जैसे इस चैनल में हो, जाए सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में हो, ऐसा हम क्या करें स्पेशल जो हम प्रभु को डेडिकेट कर सके, आप अपने सजेशन मुझे कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर डीएम करके ज़रूर बताएगा, ताकि प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन सबसे हर सनातनी के लिए सबसे स्पेशल हो जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। बेल ऐसे ही मत दबाना, जय श्री राम बोलकर बेल दबाइएगा। जय श्री राम। ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कथा की ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।